अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज़ी कंटेनर है इस वक्त मोटरवे पर मौजूद है और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब आज सुबह ही मरकज़ में पहुंच चुके हैं, जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में पहुंच चुके हैं। और आपको ये बताते चलें कि जो शहदा थे, जो शहीद हो चुके थे, उनमें से एक शहीद का नमाज़ जनाज़ा ज़ोहर की नमाज के बाद जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में ही अदा किया जाएगा। तो आप सब दोस्त भी उसमें शिरकत फरमाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और हम इस वक्त मरकज़ी कंटेनर मौजूद हैं और ये भी तकरीबन कुछ घंटों में जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन पहुंच जाएगा। अब तक की अपडेट्स के मुताबिक यही है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने जो है वो जुलूस, जो रैली थी, वो ख़त्म कर दी थी और उन्होंने बयान फरमाया था कि वो लाशें जो है वो यहाँ पर उठाने के लिए नहीं आए बल्कि मिलाद नबी का जुलूस करने के लिए आए थे। वो आपके साथ वीडियो क्लिप भी शेयर करते हैं। साढ़े मुकाबले जड़े भी मसाले कन उन्होंने उछाल के और इतने खून बाया जाए उसकी इजाजत असं इन्हों नहीं देंगे कभी भी इंशाअल्लाह। और इन्होंने साढ़े कारकुनों सीधिया गोलियां मारनिया शुरू कर दतिया। इन्हों तो बड़ा लानती दुनिया से कोई पैदा हो ही नहीं सकता। जलूस असं करना सी तो हिक से रख के कर दिता। और आज हमारे सफर के दौरान ही दो गाड़ियाँ जो हैं वो शहदा की आई थी और उनको मरकजी कंटेनर से उस गाड़ियों में शिफ्ट कर दिया गया था। ये तो वही है जो जिसके ऊपर वाइट चार्ट डाले।